बड़ी खबर, बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेल नर्स रघुराज धाकड़ को लोकायुक्त की टीम ने 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। शिवपुरी जिले के बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में सदस्य एक मेल स्टाफ नर्स को 3,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ रघुराज धाकड़ निवासी जोराई ने MLC में गंभीर चोट लिखवाने के एवज में 3,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते 3,000 की रिश्वत आज रघुराज धाकड़ को दी गई। लोकायुक्त की टीम ने मौके पर पहुंचकर रघुराज धाकड़ को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसकी शिकायत सोनू यादव निवासी बराड़ ने लोकायुक्त को दर्ज कराई थी। वहीं DSP विनोद सिंह कुशवाहा सहित लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। सर, जो छापा मारा है हॉस्पिटल में, क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है इसमें? दिनांक 19/12/23 को लोकायुक्त ग्वालियर में कार्यालय में सोनू जाटव जो हमारा फरियादी है उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। उससे उसके भाई दीनदयाल के एक्सीडेंट हुआ था दिनांक 15/12/23 को। एक्सीडेंट के MLC को सही ढंग से बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी द्वारा 5,000 रुपये की मांग की गई। इस संबंध में तस्दीक की गई और तस्दीक करने के बाद पाया कि उसके द्वारा जो मांग की जा रही थी उसको घटा के उन्हें 4,000 कर दिया गया। 1,000 रुपये तत्काल ले लिए गए तथा 3,000 रुपये आज देने को कहा था। आज दिनांक को सोनू जाटव के साथ लोकायुक्त पुलिस आई और रघुनाथ धाकड़ नाम का वहाँ एक मेल नर्स अफसर है उसको गिरफ्तार किया। रंगे हाथ 3,000 रुपये ले लिए।